नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्राणेश टेक टू डीप के आज के फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। तो लेके आए आज भी आपके लिए गर्मा गर्म मसालेदार चटपटी टेक न्यूज़। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आज 25 मई है, आज रियलमी का इंडिया में बहुत बड़ा लॉन्च इवेंट था जहाँ पर उन्होंने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रोडक्ट से। सबसे पहले बात करते हैं रियलमी स्मार्ट टीवी की, जो उन्होंने दो स्क्रीन साइज़ में लॉन्च करी है। एक तो है 32 इंच की स्क्रीन और दूसरी है 43 इंच की स्क्रीन। 32 इंच की जो इनकी टीवी है उसकी प्राइस इन्होंने रखी है इंडियन करेंसी में 12,999 रुपये, और जो 43 इंच की टीवी है, दोनों स्मार्ट टीवी है, 43 इंच की टीवी का प्राइस इन्होंने रखा है मात्र 21,999 रुपये। प्राइस इन्होंने वैसे काफ़ी अग्रेसिव रखा है और ये 2 जून से फ्लिपकार्ट पे हमें सेल पे जाती हुई दिखेगी। बात करते हैं इनकी स्पेक्स की। इन दोनों ही टीवी में आपको 1.1 GHz का मीडियाटेक का क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा। दोनों में ही 1 GB की रैम है और 8 GB की इंटरनल मेमोरी है। दोनों ही एंड्रॉयड 9 पे रन करती है। और हाँ, एक बात जो सबसे खास है, कंपनी ने कुछ दिन पहले पोस्टर्स में ये ट्वीट किया था कि हमारी टीवी के अंदर 4 स्पीकर्स हैं जो कि 24 वाट का आपको साउंड आउटपुट देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आज जब स्पेसिफिकेशंस टीवी के मैंने देखे तो इसमें 12 वाट के 2 स्पीकर्स हैं, तो 12 × 2 = 24 वाट। तो 24 वाट का आउटपुट तो ये दे रहे हैं लेकिन 12 वाट के 2 स्पीकर्स हैं और 2 ट्वीटर्स हैं। तो फ्रेंड्स, कंपनी ने जो पोस्टर में ट्वीट किया था कुछ दिन पहले ट्विटर पे कि 4 स्पीकर्स हैं, ये कंपनी ने गलत ट्वीट किया था। कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्पीकर्स 2 ही हैं, 12 वाट के 2 ट्वीटर्स हैं। ट्वीटर्स स्पीकर्स में काउंट नहीं होते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो रियलमी ने लॉन्च किया था। उन्होंने लॉन्च किया था एक और जो प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया था लॉन्च इवेंट में, वो था रियलमी की स्मार्ट वॉच, जिसकी प्राइस उन्होंने काफ़ी अग्रेसिव रखी है जो कि है 3,999 रुपये। और ये आपको फिलहाल के लिए सिर्फ ब्लैक कलर में देखने को मिलेगी। बाकी जो इसके कलर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं उनको आप 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देकर के परचेस कर सकते हैं। इसके स्पेक्स की हम बात कर लेते हैं। इसमें आपको 1.4 इंच की LCD कलर डिस्प्ले मिलेगी और इसके अंदर आपको 14 स्पोर्ट्स मोड का सपोर्ट करेगी टीवी। इसके अंदर आपको SpO2 मॉनिटर भी देखने को मिलेगा जो कि ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कितना है ये मॉनिटर करने के काम आता है, मेजर करने के काम आता है। ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट इसमें देखने को मिलेगा और ये 5 जून से फ्लिपकार्ट पे आपको सेल पे जाती हुई दिखेगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। उन्होंने आज अपने लॉन्च इवेंट में रियलमी बड्स एयर नियो नाम के ट्रू वायरलेस स्टीरियो ईयरबड्स भी लॉन्च किए। इसका प्राइस भी उन्होंने काफ़ी अग्रेसिव रखा है जो कि है मात्र 2999 रुपये। इसके अंदर आपको 13 mm के ड्राइवर देखने को मिलते हैं। टच कंट्रोल्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। लो लेटेंसी मोड इसमें आपको देखने को मिलता है जो कि गेमिंग में काम आता है। ब्लूटूथ 5.0 को ये सपोर्ट करते हैं। और जो उन्होंने चौथा प्रोडक्ट लॉन्च किया आज के इंडिया के लॉन्च इवेंट में, वो है उनका 10,000 mAh का पावर बैंक 2 मॉडल का नेम है। इसका मॉडल नेम है रियलमी 10,000 mAh पावर बैंक 2, जिसकी कीमत उन्होंने रखी है मात्र 999 रुपये। 1,000 रुपये का पावर बैंक है ये। डुअल आउटपुट इसमें आपको देखने को मिलता है, टाइप ए और टाइप सी वाला आउटपुट इसमें आपको देखने को मिलता है। 18 वॉट की 2-way फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है। ये भी आपको सेल पे बहुत जल्दी जाता हुआ दिख जाएगा। मेरी पोसिबल, मुझे लगता है आज दिन को 3 बजे इनका हेड टू वेट सेल था, मतलब आपको वेट करना अच्छा नहीं लगता है सेल के लिए। तो रियलमी के जो बड्स एयर नियो वाले ईयरफोन से और ये 10,000 mAh के पावर बैंक के बाद दिन को 3 बजे से आप फ्लिपकार्ट पे परचेस कर सकते थे। अब फ्रेंड चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि फिर से रियलमी की तरफ से ही है। रियलमी का आज चाइना में भी एक बहुत बड़ा लॉन्च इवेंट था जहाँ पे उन्होंने अपना रियलमी X50 Pro प्लेयर एडिशन को लॉन्च कर दिया है और इसका प्राइस उन्होंने रखा है चाइनीज़ करेंसी में मात्र 2,699 yuan, जिसको हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तकरीबन 29,000 से 30,000 के आसपास ये जाता है। और ये आपको 3 मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलता है, 6 GB रैम के साथ 128 GB मेमोरी, 12 GB के साथ 128 GB मेमोरी और 8 GB रैम के साथ भी 128 GB मेमोरी वाले वेरिएंट में ही आपको देखने को मिलता है। इसके बाकी स्पेक्स की अपन बात कर लेते हैं। इसमें आपको 6.44 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है, जिसका टच रिफ्रेश रेट है 90 Hz का। ये बात बहुत अच्छी है। स्नैपड्रैगन 865 वाला प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिलता है, मतलब 5G डिवाइस है, बहुत पावरफुल डिवाइस है ये। रियर में आपको इसमें 4 कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का
वाइड एंगल सेंसर है और 2-2 मेगापिक्सल के दो सेंसर हैं। फ्रंट में आपको इसमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। अच्छी बात यह है इस हैंडसेट की, इसमें आपको 42 mAh की बैटरी तो देखने को मिलती है टाइप सी वाले पोर्ट के साथ, लेकिन ये 65 वॉट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है जो कि बहुत ही फास्ट है। और चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो उन्होंने आज के चाइना के लॉन्च इवेंट में लॉन्च किया है। उन्होंने 2 वायरलेस स्टीरियो ईयरबड्स वहाँ भी लॉन्च किए चाइना में, लेकिन वो दूसरे मॉडल है, उनका मॉडल नेम है रियलमी बड्स क्यू। इनमें आपको इसकी जो प्राइस उन्होंने रखी है वो चाइनीज करेंसी में मात्र रखी है 149 युआन, जिसको हम इंडियन करेंसी में रन करते हैं तकरीबन 16-17 हज़ार रुपये के आसपास जाती है। तो फ्रेंड्स कमेंट्स करके बताइएगा मुझे क्या आप इतनी सारी रियलमी की डिवाइसेस के लिए एक्साइटेड हैं। वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उम्मीद करता हूँ चाइना में जो उन्होंने X50 Pro प्लेयर एडिशन लॉन्च किया है बहुत ही जल्द इंडिया में भी लॉन्च करना चाहिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि रियलमी की जो पेरेंट कंपनी है उसकी तरफ से निकल करके आ रहा है, जो कि है ओप्पो। आपको बता दूं मैं, ओप्पो रियलमी की पेरेंट कंपनी है। तो ओप्पो की रेनो 4 और रेनो 4 प्रो ये चाइना में बहुत जल्द लॉन्च होने वाले हैं और ये आपको 2 मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेंगे। इनके कुछ रेंडर्स निकल करके सामने आए, मैं स्क्रीन पे पोस्ट डालूंगा उनके, आप देख के मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको हैंडसेट दिखने में कैसा लग रहा है। वैसे हैंडसेट दिखने में फोटोज़ में काफ़ी अच्छा लग रहा है और उसके अंदर आपको 3 बड़े बड़े कैमरा सेंसर देखने को मिल रहे हैं। इसमें आपको जो 2 मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन में आपको देखने को मिलेगा 8 GB रैम के साथ 128 GB इंटरनल मेमोरी वाला वेरियंट आपको इसमें देखने को मिलेगा और 12 GB रैम के साथ 256 GB इंटरनल मेमोरी वाला वेरियंट भी आपको इसमें देखने को मिलता है। चलते हैं इनके बाकी स्पेस की तरफ। इसमें आपको 6.4 इंच की फुल HD+ रेजोल्यूशन वाली एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसका टच रिफ्रेश रेट 90 Hz का रहेगा। पंच होल वाला कैमरा आपको इसमें देखने को मिलेगा। स्नैपड्रैगन 765G वाला प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिलेगा। अच्छा प्रोसेसर है, 5G प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन 865 से जस्ट एक नंबर नीचे वाला प्रोसेसर ये है। 48 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल और 2-2 मेगापिक्सल के दो कैमरा आपको उसमें देखने को मिलेंगे। और फ्रंट में आपको जो पंच होल में आपको उसमें कैमरा देखने को मिलेगा सेल्फीज़ के लिए, वो है 32 मेगापिक्सल का, जो कि अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी सेल्फीज इसमें निकल करके आने वाली है। इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। टाइप सी वाला पोर्ट आपको इसमें भी देखने को मिलेगा चार्जिंग के लिए। ये फ़ोन भी 65 वाट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन इस फोन के अंदर आपको 1965 mAh की दो बैटरी देखने को मिलेगी, दो सेल वाली बैटरी इसमें देखने को मिलेगी, जो कि रियलमी X2 Pro में आपको देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आप ओप्पो रेनो 4 सीरीज़ के लिए एक्साइटेड है। वैसे इंडिया में बहुत जल्द ये भी लॉन्च हो जाएगी, मे बी पॉसिबल जैसे ही चाइना में इनका लॉन्च इवेंट खत्म होगा उसके 15 या 20 दिन बाद इंडिया में भी हमें लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा। वैसे एक बात ये समझ में नहीं आई, ओप्पो रेनो 4 की 4 नंबर को चाइना में अनलकी माना जाता है, उन्होंने 4 सीरीज़ को चाइना में कैसे लॉन्च कर रहे हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं। बात कमेंट करके मुझे बताइएगा इस बारे में आप भी। चलते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि सैमसंग की तरफ से निकल करके आ रहा है। सैमसंग गैलेक्सी A31 ये इंडिया में ऑफिशियली 4 जून को लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने खुद ने आज उन्होंने पोस्टर डाले हैं ट्विटर पे। 2 मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा, 4 GB रैम के साथ 64 GB इंटरनल मेमोरी वाला वेरिएंट आपको इसमें देखने को मिलेगा और 6 GB रैम के साथ 128 GB इंटरनल मेमोरी वाला वेरिएंट आपको इसमें देखने को मिलता है। चलते हैं इसके बाकी स्पेक्स की तरफ। इसमें आपको 6.4 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। टच रिफ्रेश रेट के बारे में कंपनी ने कुछ बताया नहीं, मुझे लगता है 60 Hz का टच रिफ्रेश रेट आपको इसमें देखने को मिलेगा। मीडियाटेक का हीलियो P65 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। ये बात सैमसंग के इस फोन की अच्छी है, कम से कम उन्होंने अपने एक्जीनोस वाले प्रोसेसर देना फोन्स के अंदर बंद कर दिए। सैमसंग का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और चलते हैं इसके बाकी स्पेस की तरफ। इसमें आपको 4 कैमरा देखने को मिलेंगे रियर में, जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का रहेगा, 8 मेगापिक्सल का दूसरा सेंसर रहेगा और 5 मेगापिक्सल का दो सेंसर रहेंगे। फ्रंट में आपको इसमें वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। 5000 mAh की बड़ी बैटरी है इसके अंदर, टाइप सी पोर्ट इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग तो कम से कम देना चाहिए थी, 15 वॉट का क्या हिसाब है मुझे समझ में नहीं आया। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ घंटी वाला आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।